अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम राना है और मैं गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक के शोबे से पिछले 12 से 13 साल से वाबस्ता हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत सी यंग गर्ल्स ये डिस्कस करना चाहती हैं कि हमारी शादी होने वाली है कुछ अरसे में, वो कौन सी मेडिसिन है जो कि हमें स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आज की इस इंफॉर्मेटरी सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉलिक एसिड के रोल के बारे में कि फॉलिक एसिड कितना लेना चाहिए, कौन सा जो फॉर्म है फॉलिक एसिड की वो ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द पेशेंट्स हु आर वेरी मच कंसर्न कि नाउ दे आर गेटिंग प्रेगनेंट आफ्टर सम टाइम व्हेन दे विल बी मैरिड। तो टुडेज सेशन इज अबाउट दिस। क्वाट्रीफॉलिक या एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड इज रिसेंटली मार्केटेड इन पाकिस्तान। फॉलिक एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म में वैसे तो रिकमेंड किया जाता रहा है और बहुत अरसे से, और ये कैटेगरी ए ड्रग है। दैट मीन्स दैट इट इज़ द सेफेस्ट ऑफ ऑल ड्रग्स टू बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड की जहाँ तक बात आती है और इसके बेनिफिट्स की बात आती है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अपने पेशेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक प्रेगनेंसी है या न्यूली ग्रोइंग फीटस है, उसके अंदर सेल डिवीजन यानी उसके अंदर नए सेल्स बनने का अमल बहुत तेज़ी से जारी होता है। इन नए सेल्स को बनने के लिए और इनकी बनावट को नॉर्मल होने के लिए फॉलिक एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि वो पेशेंट्स जो कि प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे होते हैं, हम 3 मंथ्स बिफोर उनको फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा देते हैं। नाउ जब ये फॉलिक एसिड हम दवाई की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, तो बॉडी में जाके इसने एक्टिवेट होना होता है। एक्टिवेशन जो है, जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, वो 5-methyl tetrahydrofolate के नाम से जाना जाता है। इस कन्वर्जन के लिए हमें कुछ एंजाइम्स और कोएंजाइम्स दरकार होते हैं। बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें ये एंजाइम्स अगर डेफिशिएंट हों तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाती। यानी जो फॉलिक एसिड आपने लिया है उसके बावजूद आपकी जो डेफिशिएंसी है वो कवर नहीं हो पाएगी। यही रीज़न है कि अगर बेबी में या फीटस के अंदर किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट आ जाता है और पेशेंट कह रहा होता है कि हमने तो फॉलिक एसिड बिल्कुल रेगुलरली यूज़ की थी एंड देर इज़ नो चांस कि फॉलिक एसिड की किसी भी किस्म की कोई डेफिशिएंसी हुई हो, सो इन एंजाइम्स की और इन कोएंजाइम्स की स्क्रीनिंग एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद जो एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड है उसको लॉन्च किया गया, जो कि ऑलरेडी एक एक्टिव मेटाबोलाइट है फॉलिक एसिड का। जब पेशेंट इस मेडिसिन को लेते हैं तो वो एक्टिवली उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसको नॉर्मलाइज कर देती है। नॉर्मली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या बेबी के अंदर डिफेक्ट्स के अलावा फॉलिक एसिड के और भी बहुत से रोल्स हैं। यही वजह है कि जब हम पेशेंट्स को फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उन्हें ये भी गाइड करते हैं कि ना सिर्फ ये आपके बच्चे में होने वाले डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपके अंदर खून की जो कमी है उसको भी करेक्ट करेगा। नाउ अनीमिया या खून की कमी वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। बाज़ुकात वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, यानी आयरन की कमी की वजह से अनीमिया। समटाइम्स वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से अनीमिया भी हो सकता है, या विटामिन B12 अगर वो डेफिशिएंट हो तो वो भी अनीमिया का बाइस बन सकता है। लिहाजा ये कोशिश की जाती है कि जब भी पेशेंट को आयरन प्रिस्क्राइब किया जाए उसके साथ साथ फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन भी की जाए ताकि पेशेंट अनीमिक ना हो। नाउ ये बात आप सब जानते हैं कि अगर पेशेंट अनेमिक होगा तो ऐसे केस में प्रीटर्म लेबर होने का इम्कान, यानी वक्त से पहले दर्दें लग जाने और बच्चे की पैदाइश होने का इम्कान भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। यही वजह है कि नॉर्मली अगर पेशेंट प्रेगनेंट नहीं भी होना चाह रहे तब भी हम उनको फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं ताकि वो उनकी इम्यूनिटी जो है वो मेनटेन रहे। और इसके अलावा अगर किसी भी फॉर्म का एनीमिया उनको मौजूद है या उनके अंदर प्रेजेंट है तो वो भी ट्रीट हो जाए। पाकिस्तान में बहुत सी फॉर्मुलेशंस एक्टिव मेटाबोलाइट यानी क्वाट्रीफॉलिक की फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिसको डिफरेंट तरह से मार्केट किया जाता है। यूजुअली ये सवाल पूछा जाता है कि हमने फॉलिक एसिड कितना यूज करना है और कब तक यूज करना है। फॉलिक एसिड नॉर्मली 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी स्टार्ट करवाया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक या तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक कंटिन्यू किया जाता है। अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर्स उस पेशेंट के अंदर मौजूद हों तो फिर हम फॉलिक एसिड की जो एक्टिव फॉर्म है उसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर बताऊँगी कि अगर
प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स की हिस्ट्री है तो हम हाई डोज फॉलिक एसिड एक्टिव फॉर्म में दे रहे होते हैं ताकि दोबारा जो रिकरेंस है उस प्रॉब्लम की वो मिनिमाइज की जा सके। मार्केट में क्वाट्रीफॉलिक यानी फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म बहुत सी नामों के साथ अवेलेबल है जिसमें से एक फॉलिका प्लस है। दिस इज़ फर्स्ट एवर सॉफ्ट जेल कैप्सूल अवेलेबल इन पाकिस्तान जिसमें क्वाट्रीफॉलिक यानी एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड के साथ साथ वाइटामिन B12 भी प्रेजेंट है। इसका बेनिफिशियल जो आस्पेक्ट है वो ये है कि इन केस अगर जो अनीमिया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली कवर कर लिया जाएगा इस सॉफ्ट जेल कैप्सूल के साथ। आई होप फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और इसकी एक्टिव फॉर्म जो है क्वाट्रीफॉलिक इसके बारे में आपकी बहुत सी जो एम्बिग्विटीज़ होंगी और बहुत से क्वेश्चंस वो सॉल्व हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।